हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो थोड़ी सी बातें ऐप को लेके कर लेते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। कुछ कन्फ्यूजन हैं बच्चों को जो मैं दूर कर दूं। पहला है कि सर ऐप में हमको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है? तो देखो मैं बता दूं आपको, लेक्चर और नोट्स ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, ऐप पे भी मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके मेन एग्जाम की प्रिपरेशन है, वन मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, टू मार्क्स क्वेश्चन कैसे आएंगे, थ्री मार्क्स कैसे आएंगे, फाइव मार्क्स कैसे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे सारी चीजें। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस की जो एग्जाम में प्रैक्टिस है। एक होता है कि आप यूट्यूब पे ऐसे मान लो कर दिया सामने कि हाँ ये क्वेश्चन ये आंसर है, उसमें मजा नहीं है बेटा। ऐप में जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप खुद सोच करके उसका आंसर क्लिक करेंगे, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। ये जो है तीन पार्ट एमसीक्यू वाला, खासकर की ये जो पार्ट है इसमें आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ। यानी कि समझ रहे हैं आप, दोनों चीजें कंबाइंड रहेंगी इसके अंदर। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे, ठीक है, वन मार्क्स क्वेश्चन भी आए थे, जो कि 20 नंबर का पार्ट है अब तुम्हारे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम का। तो ये दोनों चीजें रहेंगी। जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मैंने पहले कहा था अगस्त में, अभी थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। तो जल्द ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और रूटीन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराए नहीं और बिल्कुल भी ये ना सोचे कि अभी क्या हो रहा है ये। जल्दी आप लोगों के बैच बना दिए जाएंगे और आपके लिए लाइव डाउट क्लासेस और रूटीन टेस्ट वगैरह जो सारी चीजें हैं ये आपको अवेलेबल स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब चीजें जो हैं ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई है कुछ, और कुछ जल्दी उसमें ऐड हो जाएंगी आपके ऐप में। अब दूसरा कंफ्यूजन है, सर ये 1100 रुपए बहुत ज्यादा है। तो मैं बच्चों से कह रहा हूं, बच्चों ये पूरे साल के लिए है। किसके लिए है? पूरे साल के लिए, या फिर यूं कह लें हर एक बच्चा अलग अलग स्टेट में है, कुछ बच्चों के पेपर आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें अभी आपको एक डेट लिख के आ रही होगी ये कोर्स इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, जो जिस स्टेट के हैं उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज कर लिया जाएगा। जिनके पेपर लेट होंगे उनके लिए वो एक्सपायरी डेट बढ़ा दी जाएगी, यानी कि कोर्स उस डेट पे एंड ना होकर के उनका जब फाइनल पेपर होगा उसके बाद ही होगा, उस महीने के एंड में जाकर के ये जो ऐप का जो कोर्स आप परचेस करेंगे वो एंड होगा। बात समझ में आ गई? कोर्स जिन लोगों को लगता है कि सर 1100 अमाउंट बड़ा है, तो उनको दो इंस्टॉलमेंट में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, ये बात बताना भूल गया था मैं, ठीक है। 550 रुपए दो इंस्टॉलमेंट में, तीन तीन महीने में आपको करने हैं। एक इंस्टॉलमेंट आप आज करते हैं तो आज से तीन महीने बाद आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा, ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस लेक्चर के नोट्स भी मिलने वाले हैं, क्लियर है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कोई डाउट है मेरे ख्याल से अगर, तो डायरेक्ट कॉल करें मेरे को, बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, मैं जो भी क्वेरी होगी आपकी दूर कर दूंगा। फिलहाल ये सारी क्वेरीज जो मैं अभी तक देख रहा था आ रही थी, तो उनको लेकर के मेरे को यहां पर ये लेक्चर में ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। क्या होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, है ना, यानी कि ऑपरेट करने के लिए कोई चीज हम चलाना चाहते हैं ना, जैसे कि हम कहें प्रोसीजर, यानी कि जैसे मान लो सपोज तुम किसी कॉलेज में ही हो तो वहां पे एक एसओपी होगी, कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, ठीक है ना, इतने बच्चे हैं, बच्चों को कोई दिक्कत होगी तो क्या करना है, इस टाइम पे लैब चलेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो एक मेंशन होती हैं एक प्रोसीजर एक रिटन डॉक्यूमेंट में, वही चीज क्या होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यही जब हमारी फार्मेसी में लग जाता है, हमारी जो कम्युनिटी फार्मेसी में लग जाएगा, तो यही एसओपी हम यहां पे पढ़ लेंगे। तो एसओपी हर जगह लगती है, इवन तुम्हारे घर पे भी लगती है, कौन खाना बनाएगा, कौन सब्जी लेके आएगा, है ना, कौन कमा रहा है, किसको कब उठना है, कब कहां जाना है। तो रिटर्न में तो नहीं होता है लेकिन अंडरस्टूड होता है। लेकिन क्योंकि यहां पर अलग अलग जगह से लोग आते हैं और काम करते हैं, है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, तो इसीलिए वहां पर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जरूरी होता है और वो सबके पास होता है, सबको असाइंड होता है किसको क्या काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है इसके अंदर, तो क्या बोल रहा है ये, तो आओ देखते हैं। डेफिनेशन की बात करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी इज अ सेट ऑफ रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। एक सेट होता है रिटर्न इंस्ट्रक्शंस का, लिखी हुई चीजों का एक पूरा सेट होता है। दैट डॉक्यूमेंट रूटीन और रिपीटेटिव एक्टिविटी फॉलोड बाय एन इंस्टीट्यूशन,
ठीक है ना, यानी कि उसमें वो सारी बातें लिखी रहती हैं, वो सारी एक्टिविटी लिखी होती है जो रिपीट होती हैं, ठीक है, या रूटीन में कोई एक्टिविटी चल रही होती है तो वो वहाँ पे लिखी रहती है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन मतलब कोई संस्था, चाहे फार्मेसी हो, एक जनरल डेफिनेशन की बात चल रही है, चाहे फार्मेसी हो, यहाँ पे तुम बाय एन कम्युनिटी फार्मेसी कर देना, तो वो या एक एन इंस्टीट्यूशन की एसओपी, एक जनरल डेफिनेशन की बात चल रही है। तो बात समझ में आ रही है, फिर देखते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन डैट डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रक्शन होता है डैट डॉक्यूमेंट, यानी कि उनका एक डॉक्यूमेंट होता है, किसका, इंस्ट्रक्शंस का, निर्देशों का एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें रूटीन और रिपीटेटिव एक्टिविटी लिखी हुई होती हैं जो कि फॉलो की जाती हैं किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। द टर्म एसओपी इज समटाइम यूज सिनोनिमसली विद टर्म्स, एसओपी को ही कई बार हम लोग प्रोटोकॉल्स बोल देते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोल देते हैं कि इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े तुमने, एंड वर्कशीट बोल देते हैं, वर्कशीट नहीं देखी तुमने क्या क्या करना उसके अंदर, बोलते हैं ना इस तरीके से। तो ये एसओपी के ही अलग अलग नाम है जो हम लोग कई बार यूज कर लेते हैं। देयर आर डिफरेंट डेफिनेशन फॉर एसओपी डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेयर इट इज बीइंग अप्लाइड, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं जहां पर ये अप्लाई हो रहा होता है। जैसे कि अ रिटन, ठीक है, अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप हाउ अ प्रोसीजर शुड बी डन, तो कहीं पे बोला जाएगा कि ये एक डॉक्यूमेंट है जहां पे डिटेल दे रखी है स्टेप बाय स्टेप कैसे कोई प्रोसीजर की जाएगी, मान लो कोई मशीन को ऑपरेट करना है या कैसे क्या करना है, तो वहां पे एसओपी हो गया। एसओपी ना बोल के हम इस तरह से बोलेंगे कि ये रिटन डॉक्यूमेंट है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल देंगे कहीं पे, हम क्या बोल देंगे कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है विद अ फोर्स ऑफ डायरेक्टिव दैट डिफाइंस और स्टैंडर्डाइज अ प्रोसीजर और स्पेसिफिक फंक्शन, विद द फोर्स ऑफ डायरेक्टिव, यानी कि उसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो फोर्सफुली मतलब एकदम करने हैं, जो डिफाइन करती है स्टैंडर्डाइज, अगर वो करोगे तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है, ठीक है, प्रोसीजर उस स्टैंडर्ड तरीके से चलेगा और एक खास फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। एन इफेक्टिव कैटलिस्ट टू ड्राइव परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है ना, इसको हम एक इफेक्टिव कैटलिस्ट बोल देते हैं जो ड्राइव करती है, परफॉर्म करवाती है, इंप्रूव, है ना, ड्राइव परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, है ना, हर एक चीज का जो रूटीन होता है सिस्टम से चलती है तो वो चीज अपने आप धीरे धीरे क्या करती है, समय के साथ इंप्रूव कर जाती है, ठीक है, इंप्रूवमेंट एंड इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट। और फिर क्या होता है, ओवरऑल हम कुछ टाइम के बाद कहते हैं अरे यार उसने कहां से कहां स्टार्ट किया था, कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि वहां पर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उससे हटके कोई काम नहीं कर रहा है, सब अपनी मनमानी करेंगे तो क्या होगा, कोई चीज नहीं चलती है। और डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स अ रेगुलर रिकरिंग ऑपरेशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रोज होने वाले ऑपरेशंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, रिलेवेंट टू क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, जिससे कि एक किसी खास एक्टिविटी की क्वालिटी डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है, लिखना चाहो लिखना या एक दो याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेन डेफिनेशन हमारे पास ये आ गई। इस डेफिनेशन को बच्चों देखो, तो फिर कह रहा हूं मैं, इंग्लिश है, इंग्लिश में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैं एक एक शब्द को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, उसके बाद भी अगर टफ लगता है तो उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा और इजी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन को पूरा बहुत इजी बनाने की कोशिश करूंगा तो एक एक लेक्चर, एक दिन में एक ही लेक्चर आ पाएगा, ठीक है, तब भी मैं अपनी तरफ से काफी कोशिश करता हूं चीजें क्या हो जाएं, आसान हो जाएं। बात समझ में आ रही है, जो समझाता हूं वीडियो पॉज करो, उसकी हिंदी लिखते चलो, फिर कोशिश करो किसी की हेल्प से या अपने खुद से उसको एक इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। आगे आते हैं, एसओपी इज ए कंपल्सरी इंस्ट्रक्शन, एसओपी क्या है, कंपल्सरी इंस्ट्रक्शन है, करना ही करना है। स्पेसिफाई इन राइटिंग व्हाट शुड बी डन, ये राइटिंग एसओपी क्या होती है, एक रिटन में लिखी हुई चीज होती है जो बताती है व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना है और किसके द्वारा किया जाएगा, है ना, कोई संस्था है उसके अंदर कब कोई काम होना है, किसके द्वारा होना, वो सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई रहती है। कॉमन टू All the definitions regarding an SOP, ठीक है ना, common to all definition regarding to ये जितनी भी definition हमने पढ़ी SOP की regarding में is that उन सब में common क्या है, it is applied to a task, task मतलब होता है काम, ये किसी काम पर apply होता है, और function किसी, वही function कह लो, task कह लो, किसी work या कोई operation, operation कहते हैं जब किस एक होता है वर्क कि ये काम कर दिया, और ऑपरेशन कब कहा जाता है, जब उसके अंदर कई सारी चीजें और जुड़ी होती है, एक काम करने में याला स्टेप भी करना, फिर ये करना, इसके बाद याला स्टेप होना, फिर याला स्टेप होना है, जब एक लंबी चौड़ी चीज हो जाती है तो उसे ऑपरेशन बोल दिया जाता है, और प्रोसीजर बोल लो, ठीक है ना, कोई काम किया जाना है, फंक्शन किया जाना है, ऑपरेशन किया जाना है, प्रोसीजर किया जाना है, अंडरटेकन, बींग अंडरटेकन मतलब किया जाएगा, तो उनमें क्या रहेगा, कॉमन टू ऑल डेफिनेशन रिगार्डिंग एसओपी डेट अप्लाइड, ये कहां अप्लाई होता है एसओपी, जब ये सारी चीजें की जाएंगी। इट प्रोवाइड्स द डिटेल इंस्ट्रक्शंस, क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स ऑफ हाउ द टास्क शुड बी कैरिड आउट,
ये प्रोवाइड करवाता है, एसओपी क्या प्रोवाइड करवाती है, डिटेल इंस्ट्रक्शंस, डिटेल्स या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाती है, क्रोनोलॉजिकल स्टेप, क्रोनोलॉजी मतलब होता है क्रमवश, क्रमवश बोलना चाहिए, क्रमश मतलब क्रम में, एक क्रम में होता है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल स्टेप ऑफ हाउ द टास्क शुड बी कैरिड आउट, काम कैसे किया जाएगा। इट इज एन ऑथराइज डॉक्यूमेंट ऑफिशियली अप्रूव्ड, ऑथराइज डॉक्यूमेंट होता है ऑफिशियली अप्रूव्ड होता है, इससे हटके अगर काम किया तो पेनल्टी पड़ जाएगी, पेनल्टी डांट पड़ जाएगी काम करने वाले इंसान की, ठीक है ना, और सरकारी में काम कर रहे हो तो सस्पेंशन वगैरह भी हो सकता है। आओ देखें कंटेंट ऑफ एसओपी में क्या क्या होता है। एसओपी का नाम होता है कि आखिर एसओपी है किस चीज की, पेशेंट के रिगार्डिंग में है, फार्मेसी के रिगार्डिंग में, किसके, तो उसका नाम लिखा रहता है कि किसके रिगार्डिंग में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जा रहा है। स्कोप, स्कोप में बातें करेंगे अभी, सारी शुरू से लेकर आखिरी तक सब चीज मेंशन होती है, बताया जाता है कि किस क्या क्या चीज इसमें होने वाली है, एम क्या है, प्रोसेस क्या है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कैरी आउट द एसओपी, किसकी जिम्मेदारी है, हर चीज लिखी रहेगी, शेड्यूलिंग रिव्यू, रिव्यू भी करना रहता है, ठीक है, टाइम टाइम पे, ठीक है, ये सारी बातें रहेंगी इसके अंदर, ये छह पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। आओ देखते हैं बारी बारी से, नेम के अंदर क्या है, नेम द एसओपी, द नेम इज इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, फिलिंग एंड रिट्राइवल, नाम जरूरी है ताकि ढूंढ पाए, अच्छा मैं गया वहां पर एसओपी लगी हुई है, एक फैक्ट्री के लगी हुई मशीन ऑपरेट करने के लिए कि ये एसओपी है, ये एसओपी है, तो मैंने देखा था फार्मेसी वाली ये रही, तो नाम मेंशन होना चाहिए कि किसके रिगार्डिंग में है। फिर फिल करना है, हमें जब कोई चीज फिल करनी है तो हमें यही नहीं पता कि अच्छा ये एसओपी, इसको फिल करना है, क्या क्या करना है, कि किसको क्या देना है, मान लो मेरे पास टास्क आया कि इस एसओपी में सबके नाम असाइन करो, तो मेरे को पता ही नहीं है एसओपी फार्मेसी में जाएगी या किसी फैक्ट्री में जानी है या किसी मशीन में लगनी है, तो फिल फॉर्म को फिल करते हुए काम टास्क देना है हमें, भाई फार्मेसी में फार्मेसिस्ट को टास्क दूंगा और मशीन का काम होगा तो किसी मैकेनिक को काम दूंगा, तो फिल करना है। रिट्राइवल, रिट्राइवल मतलब मेरे को जब बोलना है कि अच्छा यहाँ कहाँ गड़बड़ है फार्मेसी वाले डिपार्टमेंट में, फार्मेसी वाले एसओपी लेके आओ जरा, तो रिट्राइवल मतलब किसी चीज़ को वापस से कब रिकॉल करना, तो नाम जरूरी है, बिना नाम के काम नहीं होगा। द नेम ऑफ एसओपी शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, ठीक है, उसका यूनिक होना चाहिए, नहीं दो एसओपी का नाम एक जैसा हो जाए, इट आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द अदर एसओपी, जो उसका नाम होता है उसको आइडेंटिफाई करती है, अलग कर देती है दूसरे एसओपी से विद इन द फार्मेसी बाय यूजिंग एसओपी नंबर। अगर फार्मेसी के ही, मान लो फार्मेसी में तीन चार एसओपी हैं, फार्मेसी में फार्मासिस्ट का काम दिया हुआ है, किसका इसका काम दिया हुआ है, तो उसमें फिर क्या दे रखे होते हैं, नंबर दे दिया, एसओपी नंबर वन, एसओपी टू, एसओपी थ्री, इस तरह से नेमिंग हो जाएगी। तो एसओपी क्या है, कुछ नहीं है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर सबके काम वगैरह सबको असाइन रहते हैं, ठीक है, तो बस छोटा सा डॉक्यूमेंट है और किसको काम को कैसे करना है वो सारी बातें होती हैं। आगे आते हैं, मेंशन आल्सो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्मेसी ऑफ द हॉस्पिटल प्लस कहां पर इसको अप्लाई होना है। अब मान लो कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो कौन सी फार्मेसी, मान लो तीन चार फार्मेसी, तो किस फार्मेसी में कहां पे अप्लाई होना है, तो वो सारी चीज मेंशन रहेंगी। तो फिर मैं कह रहा हूं बच्चों, फार्मेसी यहां पर अगर छोटी फार्मेसी सोच के चलोगे, यानी कि एक छोटा सा मेडिकल स्टोर सोच के चलोगे, तो इसको समझ नहीं पाओगे। इसको एक बड़ी फार्मेसी अगर देख रखी है या इसको एक बड़ा सा हॉस्पिटल समझते हुए, थोड़ा सा इमेजिन करते हुए समझोगे, तो समझना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें तो कुछ और नीचे रह नहीं गया, ठीक है। राइट, स्कोप, नाम हो गया, नाम के बाद हमें क्या मेंशन करना है इसके अंदर, स्कोप मेंशन करना है। स्कोप में क्या होगा, द स्कोप इंडिकेट्स व्हाट इज कवर्ड, क्या कवर किया जाना है, मतलब है ना, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या काम कवर किया जाएगा, वो स्कोप में लिखा जाता है कि मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, स्टॉक चेकिंग का काम है, पूरा मेंशन रहता है उसके अंदर। टू डिफाइन द स्कोप वन नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगर स्कोप डिफाइन करना है तो ये तीन आंसर पता होना चाहिए। विच स्पेसिफिक ऑपरेशन और टास्क विद इन द फार्मेसी विल बी कवर्ड, कौन सा टास्क किया जाना है, नया पैकेट आया है, कार्टून्स आए हैं, ठीक है ना, दवाइयां आई हैं, उनका चेकिंग का काम है, दवाइयों का अरेंजमेंट का काम है, क्या काम है। विच आर नॉट कवर्ड, क्या चीज नहीं होनी है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हु इज द एसओपी रिटर्न फॉर, किसके लिए एसओपी लिखी जा रही है। तो जब ये आंसर हमारे सामने रहते हैं तो हम उस एसओपी का स्कोप लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ एसओपी वो भी मेंशन रहती है वहां पर। दिस पार्ट इंडिकेट द पर्पस फॉर फॉलोइंग द प्रोसीजर, इस पार्ट के अंदर क्या इंडिकेट रहता है, पर्पस, पर्पस क्या है, किसी प्रोसीजर को फॉलो करने का। आखिर हम इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया ऐसा, ठीक है भाई दवाइयां आई हैं, उसको अलग अलग नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, जिस टाइम पर प्रिस्क्रिप्शन आएगा, जिस टाइम पर प्रिस्क्रिप्शन आएगा उस टाइम पर हमको क्या रहेगा, दवाइयां ढूंढने में दिक्कत आएंगी, तो निकाल के अरेंज कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, राइट द डिटेल स्टेप्स ऑफ द टास्क, अब जितने भी काम है उसमें उन सबका हमें डिटेल में मेंशन कर देना है।
उसमें क्या रहेगा, इन दिस स्टेप वन प्रोवाइड एन ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क, क्या क्या काम है उसका सबका क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। द एक्टिव वॉइस एंड प्रेजेंट वर्ब टेंस शुड बी यूज, ध्यान रखना है इसमें पास्ट का इस्तेमाल नहीं होता है, एक्टिव वॉइस इस्तेमाल होता है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये काम उसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, चार लोग हैं उस काम को करने वाले, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस इस्तेमाल होती है, पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं होगी, प्रेजेंट वर्ब कि ये काम ये करता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर जो चीजें लिखता कि चीजें क्लियर रहे कौन काम करेगा। द टर्म यूज शुड नॉट बी यूज, ठीक है ना, यही लिखे यू विल डू दिस। अब यू में कौन आ जाएगा भैया, यू किसके लिए मेंशन हो रहा है, तो नाम मेंशन रहता है, यू मेंशन नहीं रहेगा। इट शुड ऑल्सो इंक्लूड एनी इक्विपमेंट दैट मे बी यूज, ठीक है ना, अगर कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है तो उसका भी मेंशन रहेगा, जैसे कि टेबलेट काउंटर, अगर टेबलेट काउंटर का इस्तेमाल होना है तो वो चीज भी वहां पे मेंशन रहेगी कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है। प्रोसीजर शुड इंक्लूड ऑल स्टेप दैट आर एसेंशियल, प्रोसीजर के अंदर सारे स्टेप लिखे जाते हैं जो जरूरी होते हैं, एंड और दैट शुड बी परफॉर्म द सेम वे बाय ऑल वर्कर, ठीक है ना, जितने भी स्टेप हैं सब लिखे जाएंगे, एंड दैट शुड बी परफॉर्म बाय द सेम वे बाय ऑल वर्कर, और किस किस वर्कर के द्वारा अगर वही सेम काम लिखे किया जाना है तो वो सब चीजें मेंशन रहेगी कि हाँ सबको ये काम करने हैं। ओमिटिंग मतलब कोई चीज हटा देना, एनी ऑफ दिस एसेंशियल स्टेप, ऊपर में से कोई भी स्टेप अगर हम हटा दें मे लीड टू कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अब कहेगा यार मेरे को काम करना है कि तेरे को करना है, और तुमको तो पता ही फिर आदमी मक्कारी पे तो उतारू रहता ही है कि तू कर ले तू कर ले, नाम तो मेंशन है नहीं, ठीक है डाल देंगे अथॉरिटी पे, तुमने मान नाम मेंशन नहीं किया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है फॉर रीडर, पढ़ने वाले के लिए। परफॉर्मेंस वेरिएशन अमंग द डिफरेंट वर्कर, और जो किसको क्या काम करना उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि अलग अलग जो वर्कर है उनमें क्या हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखो बच्चों फिर कह रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर जैसे लिखा ओमिटिंग ऑफ एनी ऑफ द एसेंशियल स्टेप, अब जैसे मैंने बताया कि कोई ऊपर से टास्क हट जाए या ऊपर से कोई स्टेप ना हो, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि इफ एनी ऑफ द अबव स्टेप इज नॉट प्रॉपरली मेंशन, अपने एक अगर टूटी फूटी इंग्लिश बनाते हो तो वो इंग्लिश बना करके आप उसको लिखने की कोशिश करें, और उससे क्या रहेगा, अभी से क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सारी चीजें स्टार्ट हो भी चुकी हैं, तो इसको जब करने लगोगे तो धीरे धीरे तीन चार महीने के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे लिखने में भी, अगर ये काम खुद से कर रहे हो जिन लोगों को दिक्कत आ रही है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ प्रोसीजर शुड नॉट बी सो डिटेल्ड दैट दे आर कम्बरसम, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा लिख दिया कि हाँ एक एक स्टेप लिखते चले जा रहे हैं कि कम्बरसम हो जाए, मतलब एकदम खिचड़ी सी पक जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना, कम्बरसम ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाए। आ गया क्लियर है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट आ गया इसके अंदर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसीजर, प्रोसीजर को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है मेंशन रहता है, एंड हु इंश्योर्स दैट स्टाफ मेंबर आर सुटेबली ट्रेन, कौन ये सुनिश्चित करेगा, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना कि स्टाफ मेंबर प्रॉपरली ट्रेन्ड है टू कैरी आउट ए प्रोसीजर, सब मेंशन कर रहेगा उसके अंदर। इन अ वर्किंग फार्मेसी दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड, ये भी इंक्लूड रहता है। कंटिनजेंसी प्लान्स डिटेलिंग, कंटिनजेंसी मतलब आकस्मिकता, आकस्मिकता कोई मान लो इनकेस कोई आ रहा था, टायर पंचर हो गया, बीमार हो गया, अचानक से मॉर्निंग में फीवर आ गया या एक्सीडेंट हो गया, अब जिस बंदे को टास्क दिया गया था वो तो आया नहीं है, अगर ऐसे सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो इंसान ही वहां मौजूद नहीं है, तो उसके लिए भी एक प्लान रहता है, प्लान में डिटेलिंग रहती है, व्हाट टू डू इन केसेस ऑफ सिकनेस और हॉलीडे लीव, अगर कोई ऐसा हो गया आकस्मिक आ गया है, आज मेंशन था कि हाँ इस दिन पूरे एसओपी तैयार रहती है, ठीक है, तो मान लो उस दिन वो बंदा नहीं आया तो उसके लिए भी प्लान भी तैयार रहता है, उसके अंदर मेंशन रहेगा अगर ये इंसान किसी वजह से नहीं आता तो ये टास्क इसको करना पड़ेगा, ठीक है। रिव्यू दिस स्टेप शोज हाउ द प्रोसेस इज मॉनिटर्ड, अब इस स्टेप में क्या रहेगा कि ये रहता है कि जो प्रोसेस चली इसको मॉनिटर कैसे किया जाए, कैसे देखा जाएगा या कौन करेगा, टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स यूजफुल रिलेवेंट एंड अप टू डेट, जिससे सुनिश्चित हो सके कि जो ये जो टास्क दिए गए हैं काम हुए हैं ये सब क्या है रिलेवेंट हुए हैं, बिल्कुल कायदे से हुए हैं, यूजफुल बने रहे सारे टास्क, ठीक है ना, तो इसका मॉनिटर करना जरूरी है। इट शुड इंक्लूड अ शेड्यूल फॉर रिव्यू, इसके अंदर एक रिव्यू का भी वो रहता है, शेड्यूल रहता है कि इस टाइम पर इस डेट पर चार दिन बाद दस दिन बाद ये इंसान इसको रिव्यू करेगा, सब कुछ चेक करेगा। द डेट वेन द एसओपी वॉज प्रिपेयर्ड, ये भी मेंशन रहती है कब रिव्यू किया जाएगा, कब उसे दोबारा चेक करना कि सब कुछ ठीक ठाक है, शुड बी इंडिकेटेड एज वेल, ये भी इंडिकेट होती है इसके अंदर, एज द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु मेड अब्लिक रिव्यूड द एसओपी, वहां पे नेम और सिग्नेचर बाकायदा मेंशन रहता है कि हाँ ठीक है मैंने बनाया है और
कौन रिव्यू करेगा उसका भी सिग्नेचर रहता है, तो वो अपने टाइम पर आकर के एक बार रिव्यू कर लेगा, सबको चेक कर लेगा कि हाँ ये सब चीज़ें प्रॉपर थी, जो एसओपी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो एसओपी मतलब क्या है, देख रहे हो ना, एक तरह से रिटर्न डॉक्यूमेंट। अब बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा, ये हर जगह मौजूद होता है, फैक्ट्रीज में, संस्थानों में, हर जगह होता है। कहीं जाओगे जो जो फर्म्स होती हैं, हर जगह क्या है, एसओपी लगी हुई होती है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ क्योंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं फार्मेसी की, तो फार्मेसी में ये सब काम अगर इस तरह से काम करें हम लोग, तो उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है हमको, तो आओ देखें जरा फार्मेसी में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो कह रहा है एसओपी गिव क्लैरिटी, सब क्लियर कट रहता है। मान लो चार फार्मासिस्ट लगे हुए हैं तो किसको क्या काम करना है वो सब क्लियर रहेगा, ठीक है। टू द फार्मेसी पर्सनल, जो फार्मेसी के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको सब कुछ क्लैरिटी रहती है। टू फॉलो स्टेप पब्लिक प्रोसीजर सिस्टमेटिकली एंड यूनिफॉर्मली, किसको क्या काम करना है सिस्टमेटिकली, एक स्टेप के बाद, मान लो यहाँ तक स्टेप फार्मासिस्ट का था, उसके आगे काम कोई भी कर सकता, तो एक अलग लेबर को लगा दिया उसके आगे, तो ये सारे स्टेप उसमें क्लियर रहते हैं किसको कब कितना काम करना है, और यूनिफॉर्मिटी रहती है, एक निरंतरता बनी रहेगी, काम लगातार चलता रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। एसओपी असिस्ट द फार्मेसी पर्सनल टू नो हु डज व्हाट, एसओपी असिस्ट करती है फार्मेसी पर्सनल को, मान लो अथॉरिटी ने तो दे दिया एसओपी, अब वो एसओपी जाती है फार्मासिस्ट के पास, उसको पता, अब फार्मासिस्ट जो होता है उसको देख करके एक आइडिया लगा लेता है, उसको पता चल जाता है, आइडिया नहीं लगाता बल्कि उसको पता चल जाता है कि हु डज व्हाट, कौन क्या करेगा एंड कब करेगा, दस अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, इससे कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है, सबको बता दिया जाता है देखो एसओपी आ गई है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। एंड फंक्शन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब ये नहीं कि एक काम हो रहा था दूसरा भी आ गया कि यार तेरे को भी काम मिला मेरे को भी काम मिला अब क्या करें, ये ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है। दे असिस्ट टू इंश्योर दैट गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इज फॉलोड, एसओपी असिस्ट करती है, असिस्ट करती है, सहायता करती है सुनिश्चित करने में क्या गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हो रही है, फॉलोड एंड अचीव्ड एट ऑल टाइम, क्या गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को लागू किया जा रहा है या चल रही है, और क्या हर समय चल रही है, दोनों चीजें डिसाइड हो जाती है एसओपी के द्वारा, यानी कि एसओपी अगर फॉलो करोगे तो जीपीपी यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आपकी ऑटोमेटिक चलेगी। आगे आते हैं, एसओपी आर यूजफुल टूल, टूल मतलब एक तरह का यंत्र जो हमें हेल्प करता है, एसओपी एक खास एक यूजफुल टूल है फॉर ट्रेनिंग न्यू मेंबर्स ऑफ स्टाफ, जो नए मेंबर ऑफ स्टाफ है उनको पता नहीं होता क्या काम करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, तो एसओपी में सब लिखा होता है। अच्छा मान लो सपोज तुम जाओगे कार्टून खोलोगे दवाइयां निकालोगे बैच मिलाओगे, ठीक है सब मेंशन रहता है, तो वो उसको एक तरह से हेल्प करता है, ठीक है। दे हेल्प टू एश्योर द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, क्वालिटी बनाए रखने में और निरंतरता बनाए रखने में सर्विस की हेल्प करते हैं एसओपी, एंड दस मिनिमाइज हार्म टू द पेशेंट, इससे क्या है पेशेंट को नुकसान भी नहीं होता है। टाइप्स ऑफ एसओपी की बात करें अगर हम लोग, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर सिर्फ क्या है तुम्हारे कोर्स में एसओपी लिख के छोड़ दिया गया है, अब उस एसओपी में हमको क्या पढ़ना है, उसके बेनिफिट पढ़ने हैं, डेफिनेशन पढ़नी है, टाइप्स पढ़ने हैं, कुछ ही मेंशन नहीं है, तो हमने एक जनरल क्या क्या एसओपी में हम लोग एक जनरल चीजें जान सकते हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसओपी की बात करें, एक सिंपल एसओपी होती है, एक हायरार्किकल होती है, एक ग्राफिक और फ्लो चार्ट, ग्राफिक और फ्लो चार्ट कहीं ना कहीं इन दोनों का ही रूप है, मतलब हम लिखने की बजाय ग्राफ या फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो सिंपल में क्या रहेगा, दीज आर इजी टू राइट एंड फॉलो एंड वर्क वेल फॉर शॉर्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क, यानी कि बहुत छोटा सा काम है कि हाँ ठीक है तुम ये कर लेना, तो एक सिंपल सा काम को जब असाइन किया जाता है टास्क दिया जाता है तो सिंपल स्टेप में लिख दिया जाता है ठीक है तुमको ये करना है तुमको ये करना है ये बंदा ये करेगा ये काम खत्म हो गया। इट इज यूज्ड इन प्रोसेस दैट आर फेयरली रिपीटेटिव, जिसको बार बार नहीं करना है, आज ये काम तुमको करना है कल तुम कर लेना ठीक है, बार बार रिपीट नहीं होना है, तो ठीक है सिंपल स्टेप की हम लोग सिंपल स्टेप लाइन में लिख लिख कर हम लोग क्या कर देते हैं एसओपी बना देंगे ठीक है। और यहाँ पे कोई भी वेरी लिमिटेड डिसीजन में, क्योंकि डिसीजन नहीं लेना है ठीक है, तुम कार्टून को उठा के वहां से वहां पहुंचा देना, तुम रुपयों को बैंक में डाल देना, तुम फार्मेसी में मेडिसिन को उठा के या एक्सपायरी वाले को छांट के अलग कर देना, यहाँ पे डिसीजन कुछ लेना ही नहीं है। अच्छा एक्सपायरी हटानी है कर देगा वो, डिसीजन मेकिंग यानी कि कई बार काम करते हुए कुछ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं खुद से, को काम करते वक्त ही डिसीजन लेने पड़ते हैं ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप का डिसीजन मेकिंग नहीं होता या ना के बराबर होता है, तो वहां पर सिंपल स्टेप एसओपी काम कर जाती है। अब सिंपल स्टेप का एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि क्या क्या रहेगा यहाँ पर, क्या प्रोसीजर फॉर डिस्पेंसिंग एआरवी एंटी रिट्रोवायरल टैबलेट और कैप्सूल, कि जब आप किसी पेशेंट्स को बांट रहे हैं एआरवी, जितने पेशेंट एआरवी वाले आते रहेंगे ठीक है, जब उनको तुम दवाइयां देते जाओगे तो तुम्हें किन खास चीजों का ध्यान रखना है, पहला इशू होल पैक वेयर पॉसिबल, जहां तक संभव हो पूरा पूरा स्ट्रिप या पूरा पूरा पैकेट दो, इफ नेसेसरी अगर जरूरत है काउंट आउट डिजायर्ड नंबर ऑफ यूनिट यूजिंग अ स्पैचुला और नाइफ और काउंटिंग ट्रे और क्लीन शीट ऑफ पेपर ठीक है ना, जहां तक अगर पॉसिबल है जरूरी है
तो जो यूनिट हमें काउंट करनी है वो स्पैचुला या नाइफ की हेल्प से काउंट करेंगे, ठीक है, क्लीन शीट या पेपर के ऊपर काउंट करोगे। अवॉइड टचिंग मेडिसिन प्रोडक्ट, जो टच है, खुली दवाइयाँ होती है तो उसको आप क्या करोगे, टच नहीं करोगे। विद हैंड्स एज कंटेमिनेशन में रिजल्ट कंटेमिनेशन हो सकता है। रिकाउंट नंबर ऑफ यूनिट बिफोर पैकिंग इट इनटू कंटेनर, वापस से मान लो खुली मेडिसिन थी, दे दी आपने, वापस से रखते वक्त क्या करोगे, उसको काउंट करोगे कंटेनर में वापस रखते वक्त। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्री प्रिंटेड लेवल फॉर द एआरवी प्रिपरेशन टू बी डिस्पेंस, ठीक है ना। हमको अप्रोप्रिएट प्री प्रिंटेड लेवल, लेवल को बहुत कायदे से चेक करोगे देने से पहले। एड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन लेवल द पैकेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन करोगे और पैकेज को लेवल कर दोगे, कितनी क्वांटिटी थी, क्या बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट क्या है, टाइम्स एट विच द मेडिसिन इज टू बी टेकन, कब मेडिसिन ली जानी है, पेशेंट का नेम और डेट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आप मेंशन करोगे। तो यहाँ पर क्या कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है, जो बोल दिया कर देना, क्वांटिटी लिख लो, बैच नंबर लिख लो। अब कह रहा है फॉलो स्टैंडर्ड फार्मेसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू काउंटर चेक द प्रोडक्ट टू मेक श्योर डैट पैकेज एंड लेबलिंग कंटेन द करेक्ट मेडिसिन, स्ट्रेंथ, क्वांटिटी, डोजेस फॉर्म एंड डायरेक्शन फॉर यूज। तो कह रहा है फॉलो स्टैंडर्ड फार्मेसी ऑपरेशन प्रोसीजर, उसको फॉलो करो एसओपी को, टू काउंटर चेक द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को दोबारा से चेक करो, टू मेक श्योर डैट पैकेज एंड लेबलिंग कंटेन द करेक्ट मेडिसिन, पैकेज और लेवल के अंदर जिसके अंदर तुमने रखा है उसका सब कुछ सही है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ जो हमने 250 mg वाली 200 mg वाली वही है उसके अंदर, क्वांटिटी, डोजेस फॉर्म सही हो और डायरेक्शन जो दिए गए हैं यूज करने के वो सही हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, सिंपल स्टेप में बोल दिया गया कि जब भी आप प्रोसीजर डिस्पेंस करोगे एआरवी मेडिसिन को, ठीक है, टैबलेट्स को, तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे, सिंपल बात खत्म। अच्छा ये ना भी लिखो तो चलेगा, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा होता है सिंपल वाला, यानी कि यहां पर क्या है, सिर्फ एक डेफिनेशन दे सकते हो कि हाँ ऐसा होता है सिंपल, जिसमें या इसमें दो तीन लाइनें हटा सकते हो अपना, सिंपल दो चार स्टेप में वाली कोई लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट आता है हायरार्किकल स्टेप। हायरार्किकल मतलब होता है चेन, स्टेप के अंदर कई बार स्टेप होते हैं, ठीक है, हायरार्किकल क्या होता है, हायरार्किकल क्या हो गया, चेन, स्टेप के अंदर स्टेप होते हैं, थोड़ा टफ हो जाता है ये, ठीक है। हायरार्किकल स्टेप इज एन एक्सटेंशन, बड़ा रूप होता है सिंपल स्टेप का, ठीक है। दिस फॉर्मेट वर्क बेटर फॉर टास्क दैट रिक्वायर एडिशनल डिटेल और सब स्टेप विद इन ईच प्राइमरी स्टेप, जब एक स्टेप के बाद एक और स्टेप लेना होगा, उसके बाद फिर एक और स्टेप लेना होगा, उस केस में ये हायरार्किकल स्टेप वाला जो एसओपी होता है वो हमारे ज्यादा काम में आता है। आओ देखें, इट अलाउ यूज ऑफ इजी टू रीड स्टेप फॉर एक्सपीरियंस यूजर, ये ज्यादातर जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके लिए इस टाइप का बनाया जाता है, क्योंकि उनके लिए टास्क भी ज्यादा बड़े दे दिए जाते हैं उनको। वाइल इंक्लूडिंग मोर डिटेल्स सब स्टेप एज वेल, उसके अंदर सब स्टेप की भी डिटेलिंग काफी अच्छे से कर रखी होती है। हायरार्किकल स्टेप का एग्जाम्पल है स्टॉक टेकिंग एसओपी, जब स्टॉक आप ले रहे होते हो, मेडिसिन का स्टॉक लेते हो तो क्या क्या करना पड़ेगा, देखो एक छोटा सा उदाहरण दे रखा है, प्रिपेयर फॉर स्टॉक टेकिंग, स्टॉक टेकिंग के लिए रेडी हो जाओ, शेड्यूल द डे एंड टाइम व्हेन स्टॉक टेकिंग विल बी डन, आपको बताना है कि किस दिन स्टॉक टेकिंग होनी है, वो डे और टाइम डिसाइड हो जाएगा। असाइन स्टाफ टू कंडक्ट द स्टॉक टेकिंग, स्टाफ को असाइन करिए, कौन कौन स्टाफ करेगा, ऑर्गेनाइज द स्टोर रूम, स्टोर रूम को ऑर्गेनाइज करें जो कि स्टॉक आएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर सारा सामान रखना पड़ेगा। अब स्टोर रूम के अंदर क्या क्या होना है, अरेंज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग फीफो, मेक श्योर ओपन कार्टून बॉक्सेस आर विजिबल, मेक श्योर ओपन कार्टून बॉक्सेस आर विजिबल, श्योर होना चाहिए कि जितने कार्टून खोलो वो सब विजिबल हो, कोई दबा दबा ना हो अंदर। सेपरेट डैमेज्ड और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, अगर कोई डैमेज्ड और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो गया है तो उसको हटा देना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, काउंट द यूजेबल प्रोडक्ट, जो यूज करने यूजेबल प्रोडक्ट है, अब ये सब हटने के बाद उनको काउंट करेंगे आप, उसके अंदर भी क्या क्या करना है, काउंट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्पेंसिंग यूनिट, डिस्पेंसिंग कितनी यूनिट दी जाएगी, एक एक की दी जाएगी, दो दो दी जाएगी, उसके हिसाब से आप काउंट कीजिए। इफ यू हैव अ बॉटल दैट कंटेन इंडिविजुअल कैप्सूल, अगर उसके अंदर एक इंडिविजुअल कैप्सूल है और टैबलेट है, एस्टिमेट द क्वांटिटी, क्वांटिटी को एस्टिमेट करोगे, कह रहा है एक उदाहरण दे रहा है, इफ ए बॉटल ऑफ 1000 कैप्सूल इज 2/3 फुल, अगर कोई बॉटल 1000 कैप्सूल की है, 2/3 फुल है, देन एस्टिमेट 650 और 700 कैप्सूल, तो उसमें एक आइडिया रहेगा कि 650-700 कैप्सूल होंगे। इफ यू हैव 1 लीटर बॉटल ऑफ सिरप दैट हाफ फुल, देन एस्टिमेट 0.5 लीटर, और मान के चलो कि आपके पास अगर कोई 1 लीटर की बॉटल है और वो आधी भरी हुई है तो आप उसको आधे लीटर मान के चलेंगे। अपडेट द स्टॉक कीपिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, उसके बाद जब सारा चीजें आ जाएंगी, राइट द डेट द स्टॉक टेकिंग इज डन, जब वो हो जाएगा तो डेट लिखेंगे एंड वर्ड स्टॉक टेकिंग इन द इश्यूड और रिसीव्ड कॉलम ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के अंदर ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। राइट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू काउंट ड्यूरिंग द स्टॉक टेकिंग, जो आपने क्वांटिटी लिखी उसको आप क्या कर देंगे, मतलब जो क्वांटिटी आपने नोट करी उसको आप रजिस्टर में मेंटेन कर देंगे।
द स्टॉक ऑन हैंड क्वांटिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉर्ड शुड मैच द क्वांटिटी दैट यू हैव काउंटेड। जब आप किसी को ये सौंपेंगे, मान लो आपने तो कर दिया, फिर आप किसी को दे देंगे, ठीक है ये रहा स्टॉक, आप उसका इस्तेमाल करो, तो वो बंदा भी मैच करता है, इसने जो लिख के दिया वो बंदा भी जब उसको खोलेगा तो मैच करेगा, वो दोनों मैच होने चाहिए। टेक एक्शन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द स्टॉक टेकिंग, उसके हिसाब से क्या एक्शन लेना है हमें। इफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट काउंटेड ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग डज नॉट मैच द क्वांटिटी लिस्टेड इन द रिकॉर्ड, ठीक है ना, हमने स्टॉक टेकिंग कर ली, ठीक है, अब वो मैच नहीं कर रहा है, तो अपडेट द रिकॉर्ड बैलेंस बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द एक्सेस और मिसिंग क्वांटिटी इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। अगर कोई चीज मैच नहीं कर रही है, वहां से जो कोई सामान आया है, तुमने जो वो किया है, रिसीव किया है, वो चीज अगर क्या है मैच नहीं कर रही है, तो आप क्या करोगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको अपडेट कर दोगे। देन क्या कह रहा है, इफ एक्सपायर्ड और डैमेज प्रोडक्ट आर फाउंड, अगर एक्सपायर्ड और डैमेज प्रोडक्ट पाए गए हैं, डिस्पोज ऑफ देम फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर, उनको डिस्पोज कर दोगे, हटा दोगे जो प्रोसीजर बताया गया है उसके तहत। सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटी फ्रॉम द रिकॉर्ड एंड बैलेंस द अपडेट द करेक्ट बैलेंस एंड अपडेट द करेक्ट बैलेंस, ठीक है, उसके बाद क्या कर दोगे, जो भी उसमें रिकॉर्ड था मान लो 100 थे, अब 10 खत्म हो गई तो 90 उसको चढ़ा करके उसे मेंटेन कर दोगे। तो ये देखो ये थोड़ा सा क्या है, स्टेप के अंदर स्टेप हो गया, तो ये एक उदाहरण दिया, ये इसको याद रटने मत बैठ जाना, ठीक है ना, ये हायरार्की का एक एग्जांपल दिया है मैंने, इसको याद नहीं करो तो भी चलेगा, या सिंपल दो चार स्टेप याद करके छोड़ सकते हो जो लिखने में काम आएगा तुम्हारा, अगर 5 नंबर में आ जाता है तो, ठीक है ना, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफिक फॉर्मेट, ग्राफिक फॉर्मेट बहुत सिंपल है, दिस इज ग्राफिक वर्जन ऑफ टू प्रीवियस फॉर्मेट, जो दो फॉर्मेट पढ़े हमने उसका ग्राफिक वर्जन होता है, ग्राफिकल दिखा दिया जाता है। इट वर्क्स वेल फॉर टास्क वेयर एक्टिविटी मस्ट बी डन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, अगर एक सीक्वेंस में चलना होता है तो फिर ये काम कर जाएगा बढ़िया। एंड वेयर एन ईजी टू फॉलो रिमाइंडर एट द जॉब साइट इज यूजफुल, ठीक है ना, जहां पर सबको आसान से काम करना होगा वहां पर यूजफुल होता है। द ग्राफिक फॉर्मेट ब्रेक लॉन्ग प्रोसेस इंटू शॉर्टर सब प्रोसेस, जो लंबी लंबी प्रोसेस हमने इतनी लिखी थी उसको छोटे स्टेप में तोड़ देता है। एंड प्रोसेस डेट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फ्यू स्टेप, और उसके अंदर थोड़ी स्टेप रह जाते हैं, जैसे क्या है सेल्स टेक कस्टमर्स ऑर्डर, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा ऑर्डर एंट्री प्लेस ऑर्डर इन द सिस्टम, जो सेल हुई है कस्टमर की वो यहाँ पे सेल हो जाएगी, उसके बाद क्या करेगा ऑर्डर की एंट्री चढ़ेगी, ऑर्डर को प्रोसेस किया जाएगा, इनवॉइस प्रिपेयर किया जाएगा, इनवॉइस इज सेंड टू कस्टमर, फिर इनवॉइस को कस्टमर के पास भेज दिया जाएगा। तो एक सिंपल सा है कि सेल टेक्स कस्टमर ऑर्डर, जो सेल वाले हैं कस्टमर के ऑर्डर को लेगा, ऑर्डर को क्या करेगा एंट्री करेगा, ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, यानी कि एक बंदा सामान लेके आ रहा है, दूसरा बंदा सामान को प्रिपेयर करता है, इनवॉइस प्रिपेयर किया जाएगा उसके बाद, और फिर इनवॉइस कस्टमर को दे दी जाएगी, वो पे करेगा अपना सामान ले जाएगा। क्लियर है। फिर आते हैं हमारे पास फ्लोचार्ट फॉर्मेट, फ्लोचार्ट को भी तुम लोग समझते हो बहुत सिंपल है, फ्लोचार्ट आर सिंपली ग्राफिक वे टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग वाला काम भी जुड़ जाता है, बस इतना है ग्राफ वाले में और इसमें अंतर। अ फ्लोचार्ट प्रोवाइड एन इजी टू फ्लो मैकेनिज्म फॉर वॉकिंग अ वर्कर थ्रू अ सीरीज ऑफ लॉजिकल डिसीजन, ठीक है ना, उसको एक सीरीज ऑफ लॉजिकल डिसीजन में लेते हुए क्या होता है आसानी हो जाती है एसओपी को देखते हुए। तो मतलब हमारी एसओपी अगर फ्लोचार्ट के रूप में है तो यहाँ पे हम डिसीजन भी ले सकते हैं, सीरीज बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अ फ्लोचार्ट प्रोवाइड इजी टू फॉलो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म फॉलो करना ही आसान हो जाता है फॉर वॉकिंग ए वर्कर थ्रू अ सीरीज ऑफ लॉजिकल डिसीजन, जब वो इसके थ्रू देख रहा होता है तो उसको स्टेप को लेना डिसीजन लेना आसान हो जाता है। एंड द स्टेप दैट शुड बी टेकन एज ए रिजल्ट, ठीक है, आते हैं देखो क्या कह रहा है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिकेशन, जब मान लो पेशेंट जो इन पेशेंट था उसका डिस्चार्ज हो रहा है, मेडिकेशन दिया जाना है उसको, प्रेस्क्रिप्शन रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के द्वारा प्रेस्क्रिप्शन रिसीव किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा प्रेस्क्रिप्शन फिल किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा प्रेस्क्रिप्शन डिस्पेंस किया जाएगा। अब तीन चीजें हैं, जब प्रेस्क्रिप्शन दिया जाएगा उसको तो पेशेंट के पास तीन चीजें हो सकती हैं, या तो कैश वाला होगा, फ्री वाला होगा, या क्रेडिट कार्ड वाला होगा। तीनों ही केस में लास्ट में क्या करेगा स्टैटिस्टिक एंड कंट्रोल के पास चला जाएगा और फिर इसका एंड हो जाएगा। तो इस टाइप से देखो यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा, कैश है कि फ्री है कि क्रेडिट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक फ्लोचार्ट बना दिया गया, यहाँ डिसीजन मेकिंग भी हो गई है और हमारी एक एसओपी, एक छोटे से काम के लिए एसओपी हमारी तैयार हो गई है। तो ये छोटी छोटी एसओपी के बारे में मैंने बात की है, तो एसओपी बात समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं है, एक तरह से किसी भी संस्था में काम जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग बांटना, और कौन क्या सा काम करेगा, कब करेगा, कैसी प्रोसेस रहेगी, बस वही सब बातें हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एसओपी बोलते हैं। तो आसान है मेरे ख्याल से, इसको अगर समझ लोगे, थोड़ा दो चार हेडिंग भी अगर इसकी याद कर लोगे तो उसके अंदर मन से बनाकर लिख सकते हो। क्लियर है, ओके। तो क्या करना है, पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट।